आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का नया सिलेबस। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है और वो अब फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, उनके लिए आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत आज आपको फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस देखने को मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस। दूसरी बात, आपको आज की इस क्लास में देखने को मिलेगा कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कितने चैप्टर्स में आपका केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का डिवाइड है, प्रैक्टिकल के लिए कौन सी बुक रखी जाएगी और कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा, नोट्स आपको फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की कैसे प्रोवाइड होंगी और साथ ही साथ क्लास कब से स्टार्ट है और क्या टाइमिंग रखी जाएगी फोर्थ सेमेस्टर क्लास के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सोनू, जो आप सभी को आज मैं केमिस्ट्री के सिलेबस को बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इस सिलेबस को। सभी लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और जो भी छात्र छात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर नोटिफिकेशन बेल सेट कर दें ताकि टाइमली आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ NEP के अकॉर्डिंग। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई है, सेमेस्टर वाइज पैटर्न के आधार पर मैं सिलेबस बताऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्लास की टाइमिंग को लेकर के, कि यूट्यूब पर जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि आप थर्ड सेमेस्टर में रोज़ केमिस्ट्री पढ़ते थे रात को 8 बजे, तो अब फोर्थ सेमेस्टर की क्लास रोज़ रात 8 बजे होगी, जिसमें आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सुबह 7 बजे आपकी फिजिक्स और मैथ की क्लास संचालित होगी, जो कि पवन सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। जूलॉजी और बॉटनी की क्लास रोज़ दोस्तों 9 बजे, रोज़ रात 9 बजे आपकी जूलॉजी और बॉटनी की क्लास संचालित की जाएगी, जिसमें 3 दिन आप डेली बॉटनी पढ़ेंगे और 3 दिन जूलॉजी। संडे के दिन जो आपका एक दिन बचता है उसमें मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन पेपर, या फिर आपका टेस्ट जो है टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो इस बार आपको बहुत ही अच्छे से क्लास मिलेगी, पूरी थ्योरी की क्लास इस बार चलने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सिलेबस को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरी के पेपर के बारे में, कि आपकी जो थ्योरी है, थ्योरी का पेपर क्या है। दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर का टाइटल है, यही आपके फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के बुक का नाम है। अगर बुक का नाम पूछा जाए तो बुक का नाम आपके क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, ये आपके बुक का नाम है। इसमें टोटल कुल मिलाकर के 8 यूनिट्स आपको पढ़नी है, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो चलिए आप सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो बुक का नाम आपको पता चल गया और दूसरी बात, यूनिट टोटल 8 यूनिट ही पढ़नी पड़ेगी, ऑल सेमेस्टर के लिए है। तो थ्योरी जो थ्योरी में जो पेपर आपका है, पेपर टाइटल वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। पहला जो यूनिट है दोस्तों वो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका पहला चैप्टर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बता दूँ ये इम्पॉर्टेंट है। अब यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ना है आपको आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मेटर वेव। डी ब्रॉगली मेटर वेव के बारे में पढ़ना है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा, तो आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मेटर वेव पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी रहेगी वो रहेगी हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। और फिर जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही पढ़ना है हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, और लास्ट में आप इसी में पढ़ना है आप बाऊ एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें दोस्तों केवल और केवल इतने ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी जो कुछ छूटे हुए टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। जो मेन मेन टॉपिक हैं इनके अंतर्गत छोटे छोटे पार्ट हैं उनको मैंने डिवाइड नहीं किया। तो आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मेटर वेव, हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हुंड्स रूल
और आप बाऊ और पाउली एस्केलेशन प्रिंसिपल, ये आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनमें आपने कुछ टॉपिक जो है ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रखा होगा। यूनिट नंबर सेकंड जो आपकी है वो है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोस्तों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसमें इससे रिगर्ड बॉडी के जो आपका इक्वेशन है वो पूछा जाता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, प्लैंक्स रेडिएशन पढ़ना है, प्लैंक का रेडिएशन क्या था, उसके बाद में आपको इसी में पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में 100% ही पूछा जाता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल का जो हाइड्रोजन एटम का बोर्स मॉडल है वो आप समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन जब इससे बनते हैं, खूब क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत वो है कंपटन इफेक्ट। कंपटन इफेक्ट पढ़ेंगे और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ेंगे इसी में। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है, खूब इससे प्रश्न बनते रहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इसी में पढ़ेंगे। फिर एंगुलर वेव फंक्शन पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं जो मैंने बता दिया, और ये सभी अनिवार्य ही हैं। चलिए अब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं दोस्तों। यूनिट बाय यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस चलेंगी बहुत ही अच्छे से, और प्रत्येक यूनिट को अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे। यूनिट नंबर थर्ड है आपका मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये आपका जो सेकंड टॉपिक है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हमेशा पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको इसी में पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि आपको इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको इसी में पढ़ना रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम में आपको डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेलेक्शन रूल आप पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आपको सेलेक्शन रूल पढ़ना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तैयार करेंगे। फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रम जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें डायाटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, सेलेक्शन रूल पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्टमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका इसके अंतर पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा और यहाँ पर फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आप पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आप पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आपका यूनिट नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रमन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, और जो आपका फर्स्ट है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर चार जिसका नाम है यूबी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेलेक्शन रूल, जिसमें फंडामेंटल लॉ पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी के और सेलेक्शन रूल के फंडामेंटल्स के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा आपका है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन, इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना है क्रोमोफोर्स एंड एक्सोक्रोमोफोर्स, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड रूल। वुडवर्ड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल, जो बहुत ही अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे यूनिट नंबर चार में। तो यूनिट नंबर चार के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपने देखा, लगभग लगभग 5 से 6 लेक्चर में आपका ये क्लास समापन होगा। यूनिट नंबर 6 जो है समाप्त करेंगे पढ़ा करके। पांचवी यूनिट है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ना है फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मॉलिकुलर वाइब्रेशंस के बारे में। फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मॉलिकुलर वाइब्रेशंस क्या होते हैं, इनका जो है मेन फंडामेंटल क्या है, इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे हुक्स लॉ के बारे में। फिर आप इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इफेक्ट क्या रहेगा।
फिंगरप्रिंट रीजन एंड इट्स सिग्निफिकेशन, फिंगरप्रिंट रीजन एंड इट्स सिग्निफिकेशन पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, और जो लास्ट है वो एप्लीकेशन इन फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जब ओल्ड पैटर्न था, जब आपका ईयरली एग्ज़ाम होता था, ठीक है, तो आपके तीन पेपर होते थे। पहला होता था इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये फोर्थ सेमेस्टर का, ये फिजिकल केमिस्ट्री का रहता था, सेकेंड बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में रहता था पूरा का पूरा यूनिट। तो इस बार भी दिया गया है, हालांकि इस बार ऑर्गेनिक के टॉपिक कम हैं इसमें, फिजिकल के आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो पूरी की पूरी ये फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके पाँचवीं यूनिट के सिलेबस हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर छः जो आपका है वो है एच एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी PMR। देखिए ये यूनिट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पी के वैल्यू के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर स्पिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर स्पिन इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है NMR एक्टिव मालिक्यूल। NMR एक्टिव मालिक्यूल क्या होते हैं, केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है, केमिकल शिफ्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये थर्ड यानी कि टॉपिक भी आपको पढ़ना है। आपका अगला टॉपिक जो इसी के अंतर्गत पढ़ना है वो है एप्लीकेशन ऑफ IR UB एंड NMR। देखिए इन सभी के एप्लीकेशन यानी कि इनके सिद्धांत के बारे में बताना रहेगा आपको, इनके एप्लीकेशन क्या हैं IR स्पेक्ट्रा के, UB स्पेक्ट्रा और NMR स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है। इनके स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मॉलिक्यूल, एप्लीकेशन ऑफ IR UB एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेंगे जिनमें आपको पहचान के लिए दिया जाएगा किसके एप्लीकेशन, IR UB और NMR के। अगला इसी के अंतर्गत पढ़ना है NMR पीक एरिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीक एरिया वाला। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चल अब यूनिट नंबर सात की चर्चा करते हैं। सातवीं यूनिट में आपको पढ़ना है, सातवीं यूनिट का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपकी सातवीं यूनिट का नाम है, जिसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रिंसिपल क्या होते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डायग्राम कैसा रहेगा, और MC लेफ्टरी रीअरेंजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीन सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर सात के। केवल और केवल इतना ही आपको सातवीं यूनिट पढ़ना है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको मैं बताऊँगा और जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उनको भी पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। यूनिट नंबर आठ आपका है सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। सेपरेशन टेक्निक्स में आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्सटेंशन। देखिए दोस्तों मैं हिंदी में आपको सिलेबस अब नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको अपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे दिया है, आपने टोटल इंग्लिश में दिया है और इंग्लिश में भी अब आपको समझना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हिंदी में कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करता हूँ, बल्कि क्लास आपको दोनों लैंग्वेज में रहेगी। नेक्स्ट आपका है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसकी इफिशियंसी क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल एंड इफिशियंसी ऑफ द टेक्निक्स, जिसमें क्रोमेटोग्राफी भी शामिल है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्सटेंशन के बारे में सेपरेशन टेक्निक में पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर आठ में केवल और केवल ये चार टॉपिक आपको पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी मैं नोट करा दूंगा। कंप्लीट सिलेबस में जो इसके होल सिलेबस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर। तो आठ यूनिट थे, आठों यूनिट के सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है फोर्थ यूनिट के फोर्थ सेमेस्टर में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, कि प्रैक्टिकल की क्या बुक रखी जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें प्रैक्टिकल आपका दो प्रैक्टिकल इसके अंतर्गत होता है। जैसा कि अब हम टोटल मार्क्स जैसे बात करें, 100 मार्क्स का आपका टोटल टाइटल पेपर टाइटल होता है, यानी टोटल मार्क्स होता है, जिनमें से 75 नंबर की आपकी थ्योरी रहती थी, 25 नंबर आपके और ऐड होते हैं जो प्रैक्टिकल और मिड टर्म एग्ज़ाम के जुड़ते हैं। तो 25 नंबर में से 15 नंबर का आपका मिड टर्म हो जाएगा और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता था। तो ठीक इसी प्रकार से प्रैक्टिकल होंगे, जिनका गवर्नमेंट स्कूल है यानी जो माफ करिएगा गवर्नमेंट कॉलेज है
उनके लिए थोड़ा सा परेशानी फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनको जाना पड़ता है। और मेरा मानना यह है कि आप लोग लैब जरूर करें, केमिस्ट्री में लैब आप जरूर ज्वाइन करें। जब भी आपका प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल देने जाइए और समझिए वहाँ के इंस्ट्रूमेंट को, वहाँ के चीज़ों को, एक एक चीज़ की वर्नर क्या होता है, कैसे इसको मतलब रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से केमिकल रखे गए, उन सारी चीज़ को आप समझिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, ठीक है। और जिनका प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए दिक्कत नहीं है, उनका केवल कॉपी लिख के देना है, बाकी तो यूनिवर्सिटी देख लेती है, ठीक है। तो मेहनत है मेरे हिसाब से सभी लोग, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सभी लोग प्रैक्टिकल जरूर करने जाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल की क्लास में भी इस बार मैं आपको दिलाने वाला हूँ, आपको प्रैक्टिकल की क्लास में बताऊँगा, प्रैक्टिकल खुद लैब में जा करके और एक एक इंस्ट्रूमेंट को कैसे क्या करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा लाइव, ओके, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्ट आप लिंक ओपन करके और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, आपकी जो भी बात आपकी रहती है, जो भी कमेंट आता है, उसके आधार पर मैं क्लास देने का बिल्कुल प्रयास करता हूँ। तो आप यह भी ध्यान रखेंगे कि आप ही लोग हमारे लिए सब कुछ हैं, और मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि हर क्लास अच्छे से हो सके और डेली आपकी क्लास संचालित हो सके, आपके अनुसार कंटेंट मैं आपको दे सकूं, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, और जो भी छात्र छात्राएं आपसे संबंधित हैं उनको इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।